जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरु जी पर। इस वीडियो में बात करेंगे फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स वर्सेस डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स T10 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच अर्नोस वाले ग्राउंड किंगस्टाउन के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 17 मई को मतलब कल के दिन डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स वर्सेस साल्ट पॉन्ड बेकर्स के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना कुल मिलाकर 6 T10 के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो उस मैचेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस आपको ध्यान देना है, तो टूर्नामेंट है ना ये विंसी प्रीमियर लीग का, जिसका 4th डे है। तो यहाँ पर मैंने लाइव मैचेस के अंदर क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व करा था, आपको ध्यान देना है। जो पिच थी ना दोस्तों, वो ड्राई थी, ठीक है, पिच स्लो थी। लेकिन कल के दिन क्या हुआ था, कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि पिच के ऊपर ना ये लोगों ने पानी डाला था, वाटर, ठीक है, और उसको रोल करा था पिच को अच्छे से। तो कल दोस्तों यहाँ पर रन अच्छे खासे बने थे। लेकिन आज के मैच में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से पिच आइडियली स्लो होनी चाहिए, ठीक है, बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, बल्लेबाजी करना, और यहाँ पे स्पिनर्स को ना मदद मिलती है, टर्न देखने को मिलता है, और जो गति परिवर्तन करते हैं ना कटर बॉलर्स होते हैं, उंगलियां फेरते हैं, उनको यहाँ पे मदद मिलता है। जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है 33 बार जीता है आउट ऑफ 59 गेम्स, एवरेज स्कोर 62 आपको 80 बनता दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 59 मैचेस के अंदर क्या हुआ था। पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 240 विकेट निकाले हैं, वहीं स्पिनर्स ने ना 241 विकेट निकाले हैं। जो लास्ट मैच वाला कल रात को 11 बजे डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स वर्सेस साल्ट पॉन्ड बेकर्स के बीच में। हर हमेशा ना आमतौर पर क्या होता है, आपको पता है, जो डे का सेकेंड मैच होता है ना, आपको पता है ये टूर्नामेंट है ना विंसी प्रीमियर लीग, इसमें क्या होता है कि एक मैच तो 9 बजे होता है और फिर एक मैच होता है रात को 11 बजे। तो 11 बजे वाले मैचेस के अंदर ना आमतौर पर स्पिनर्स ज़्यादा विकेट निकालते हैं। तो आप इस मैच में देखो 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे और 7 विकेट दोस्तों यहाँ पर पेसर्स के थे। सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है, यूज पिच हो जाती है ना यार, मतलब जो पहला मैच होता है उसके अंदर क्या होता है कि प्लेयर्स उस पिच के ऊपर खेल के जाते हैं, प्लेयर्स के फुटमार्क आ जाते हैं, मतलब प्लेयर्स यहाँ पे भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं बैट्समैन वगैरह, तो यहाँ पे प्लेयर्स के फुटमार्क आ जाते हैं, तो पिच थोड़ी सी स्लो जाती है दूसरे मैच के अंदर। सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है, और आप वीडियो को दोस्तों लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। पूरी मेहनत दोस्तों आपके सामने है, हमेशा मैं अपना पूरा 101% आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप भी जानते हो फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, ये आपको मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर पहुंच जाना, ठीक है, वहां पे सबसे टॉप पे आपको एक कमेंट पिन करा हुआ मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हो। टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स इन द टेलीग्राम चैनल, हाउ टू ज्वाइन, लिंक इन द कमेंट सेक्शन। बात करेंगे दोस्तों लाइनअप्स की। फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स की तरफ से ओपनिंग करते हैं लेशॉन लुविस, लेफ्टी बैटिंग करते हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों क्या खासियत है उस खिलाड़ी की। मेल्स बैस्कॉम भी आएंगे, राइटी बैट्समैन, गिव अवे रखा है इस पे, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, कमेंट करना है आपको MB माइल्स बैस्कॉम्बे कितने रन बनाएंगे। सेलरॉय विलियम्स, ये दोस्तों वन डाउन आते हैं, राइटी बैट्समैन है और ये ऑफ स्पिनर है, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ से गिड्रॉन पॉपे, लेफ्टी बैट्समैन और ये हैं क्या ऑफ स्पिनर, कैप्टन से कह रहे हैं, टीम की मार्क्यू प्लेयर है। फिर आएंगे यहाँ से कीटन लाविया, राइटी बैट्समैन, राइडम मीडियम फास्ट। फिर आएंगे रे जॉर्डन, ये हैं राइडम फास्ट। फिर आएंगे यहाँ से चार्ल्सन स्टॉवे, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट मीडियम फास्ट ये बॉलर हैं। कैस्मस एक्शो विकेट कीपर बैट्समैन, ज़्यादा रोल नहीं है इनका। राशिद फेंडिक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शकुली ब्राउनी राइट आर्म मीडियम, गैरन वाइले लेग स्पिनर। तो प्रमुख गेंदबाज कौन रहेगा, मेरे हिसाब से रहेंगे सेलरॉय विलियम्स, ठीक है, राशिद फेंडिक्स, यहाँ से शकुली ब्राउनी, गैरन वाइले और फिर आप देख सकते हो रे जॉर्डन को। ये 5 इस टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज है, और एक ओवर मुश्किल से अगर कोई बॉलर पिट जाता है ना तो कीटन लाविया कवर कर सकते हैं, बॉलिंग करा सकते हैं। डार्क एक्सप्लोरर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, इस टीम के अंदर ना Top 3 के अंदर लेफ्टी बैट्समैन है। तो इस टीम में जो ऑफ स्पिनर है ना वो थोड़ा सा रोल अदा कर सकता है, जैसे कि आप नाम देख रहे हो यहाँ पे सेलरॉय विलियम्स। पर लास्ट मैच के अंदर क्या होता है, आपको पता है, लास्ट मैच के अंदर ना रोमेरियो फ्री और लिंडन जेम्स ने ओपन करा था, फिर डेरेन ग्रीम्स ने वन डाउन बैटिंग करा, फिर शर्मा मोपर आए, फिर डेन ब्राउन नाउ नहीं आए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रोमेरियो फ्री और लिंडन जेम्स ने लास्ट मैच में ओपनिंग करा था, ये लोगों को डर था कि इनके टॉप 3 के अंदर लेफ्टी बैट्समैन है ना
तो उनको दिक्कत आ सकती थी ऑफ स्पिनर से, तो लोगों ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई करा था। और उन्होंने फ्री लेफ्टी बैटिंग करते हैं, डेन एंड ग्रिव्स लेफ्टी बैट्समैन और ऑफ स्पिनर, दो ओवर डालते हैं, शिवम ओपर लेफ्टी बैट्समैन ऑफ स्पिनर, प्रमुख गेंदबाज नहीं है दोस्तों इस साल। फिर आएंगे यहाँ से डेन ब्राउनली, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है यार, पिछले मैच के अंदर भी उसने सुनील एम्ब्रोस को आउट कर दिया था, वहाँ पर इतना ईजी कैच ड्रॉप हुआ था शॉर्ट फैनले की तरफ, शब्द में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, पर बहुत अच्छी बैटिंग करी। 9 बॉल के अंदर इसने 31 करा, उसमें 4 छक्के शामिल थे, आप समझ सकते हो कितना डेंजरस बैट्समैन है ये। फिर आएंगे यहाँ से लंडन जेम्स, कैप्टनसी कर रहे हैं, राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, रियान विलियम्स राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनके पास दोस्तों हल्की सी गति है, टप्पा अच्छा है इनका। फिर आएंगे यहाँ से एलेक्स सैम्यूल, राइट हैंडेड बैट्समैन है। और एक और बात खास, रियान विलियम्स ने ना जो पहली बॉल डाली थी कल सुनील एम्ब्रोस को, उस पर एज लगा था, कीपर के जस्ट साइड से बॉल निकल गई थी, तो उसने बॉलिंग अजब कराई थी एलेक्स सैम्यूल। फिर आएंगे यहाँ से ड्रोमेटोनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, सोलोडॉन विलियम्स एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से लुक विल्सन ऑफ स्पिनर है। इस मैच में क्या होगा आपको पता है, दो भाई आपस में खेलेंगे, एक तो सोलोडॉन विलियम्स है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, और यहाँ पे सोलरॉय विलियम्स, ये दोनों भाई आपस में, ठीक है, मतलब सेम सन फ्रॉम मदर्स अपन कह सकते हैं। अब देखो लास्ट मैच उसमें क्या हुआ था, फॉर चार्लोट स्ट्राइकर्स की बात करते हैं, तो लेशॉन लुइस ने 0 करा, 16 करा, मिल्स वास्कोम्बे ने 4 करा था, 0 करा था, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सोलरॉय विलियम्स ने 5 करा, 30 करा था, एक विकेट निकाला, 2 ओवर के अंदर 8 रन दिया, शायद दोस्तों लेफ्टी बैट्समैन है जितना मुझे याद है ना, जब मैंने मैचेस देखा था आई थिंक मिस टाइप हो गया वहाँ पे ऊपर, राइटी बैट्समैन। गिडन पॉपे 3-20, केटन लाविया 0-7, रे जॉर्डन ने 8 करा था, एक विकेट निकाला, और प्रीवियस मैच में 2 ओवर के अंदर 8 रन दिया। चेल्सन स्टॉविन ने बस 3 रन स्कोर करा था पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच में बैटिंग नहीं आई। कैच में 112, राशिद फेंडिक्स ने पहले मैच में 2 ओवर के अंदर 11 रन दिया, और 2 ओवर के अंदर प्रीवियस मैच में 10 रन देके विकेट निकाला। तो अपन ने बात क्या करी थी, एक प्लेयर है राशिद फेंडिक्स, एक प्लेयर था जिमरॉन प्रोविडेंस, ये दोनों ऐसे स्पिनर है इस टूर्नामेंट के अंदर जो ना रन कम पिटवाते हैं पर कभी कभी विकेट निकालते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मैच के अंदर। शकुली ब्राउन ने एक विकेट निकाला था लास्ट मैच के अंदर, 2 ओवर के अंदर 8 रन दिया था, 6 ओवर डाला था और 8 ओवर डाला था, तो डेथ में आते हैं थोड़े डेथ ओवर्स में। गैरन वाइले पहले मैच के अंदर 5 बॉल के अंदर 15 रन खाया, दूसरे मैच के अंदर 22 रन खाया था, 2 ओवर के अंदर बॉलिंग अच्छी कराई थी इनको, आई थिंक उर्नेल थॉमस ने आड़े तिरछा लिया था लास्ट मैच के अंदर। स्टार्टिंग ओवर राशिद फेंडिक्स डालेंगे, गैरन वाइले, रे जॉर्डन, डेथ ओवर में रे जॉर्डन, शकुली ब्राउनी, गैरन वाइले आजकल डेथ ओवर में आने लग गए हैं, 7th ओवर डालते हैं। डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स की बात करते हैं, रमने फ्री 46-0, मतलब हीरो से जीरो बनने की कहानी है पूरी, पर अच्छा खिलाड़ी है ना। डेरेन गिव्स 2 विकेट है, 27 रन, एक विकेट है, 26 रन देखे। फिर आएंगे यहाँ से शेम मॉन हेपर इनका नाम है, ठीक है, तो 19-21, डेन ब्राउनली पहले मैच के अंदर 1 ओवर डाला, 1 मिडन ओवर था, 1 भी रन नहीं दिया, 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच के अंदर 31 की पारी थी, बहुत ही बैटर नॉक थी यार, मतलब एक दिल जीतने वाली नॉक थी वो, 2 ओवर के अंदर 39 रन इसने दे दिया था, थोड़ी सी पिटाई तो हुई थी इसकी, पर क्या कर सकते हैं यार, लिंडन जेम्स आएंगे 0-10 है ना, 1 रन इसने फिर बैट से स्कोर किया 4 बॉल के अंदर लास्ट मैच के अंदर। एलेक्स सैम्यूल शायद इंपॉर्टेंट रहेंगे, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ड्रोमेटोनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रियान विलियम्स ने पहले मैच में 1 ओवर के अंदर 4 रन देके विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर के अंदर 33 रन देके 2 विकेट निकाला था। सोलरॉन विलियम्स 1 विकेट है, 2 विकेट है, 1 को कहने का मतलब क्या, सीधी बात कहूँ तो इसने 2 विकेट निकाला, 1 रन दिया और 1 ही ओवर बॉलिंग कराई थी। फिर यहाँ से 2 ओवर के अंदर 19 रन दिया। लुक विल्सन ने पहले मैच में 2 ओवर के अंदर 5 रन देके 2 विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर के अंदर इसने 20 रन दिया, 1 विकेट निकाला, इसने बॉलिंग अच्छी कराई थी। इसने सुनील एम्ब्रोस को आउट करा था लास्ट मैच के अंदर, टप्पा अच्छा था और लाइन लेंथ बहुत बेटर थी। स्टार्टिंग ओवर डेरेन गिव्स, रियान विलियम्स, डेन ब्राउनली, डेथ ओवर में डेन ब्राउनली, रियान विलियम्स एंड सोलरॉन विलियम्स, 80-10 के स्टैट्स में कैसे समझना है ये देखो। इस एग्जाम्पल के लिए लेशॉ लुइस ने आज तक T10 के अंदर 7 मैचेस खेले हैं, बैटिंग 6 बार करी है इसने, 47 रन है, हाइस्ट 18 है, छक्के 2 मारे हैं, पर आप यहाँ पे ध्यान दो T20 के अंदर इसने क्या करा है, सेंट विंसेंट की जो कंट्री है ना उसके अंदर इसने 7 मैचेस खेले हैं क्लब क्रिकेट के अंदर, और 36 के एवरेज है, 250 रन है, छक्के 23 मारे, चौके को जिसके 14 है तो 17 थे, ठीक है, तो आप समझ सकते हो छक्के बहुत मारते हैं। पर वो ये ना, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है ना तो क्या अपनी नर्व्स को कंट्रोल रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं,
ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन यार पता नहीं क्या कर रहे हैं प्लेयर्स। इसी तरह आप हर प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कॉमन कैप्टन डैरन गिव्स, सलरॉय विलियम्स, बड़ी लीग्स में किसको बनाना है, बनाओ दोस्तों डैरन गिव्स को, सलरॉय विलियम्स को, रोमेन अफेरेगो, डैन ब्राउनली को। अब अलग जाना है, लेशॉन लुइस, मेल्स बेस्कोम्बो, दोनों बड़ा स्कोर कर सकते हैं इस मैच के अंदर, देखते हैं क्या होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना है, या फिर आप डिसलाइक कर सकते हो। अब यहाँ पे कैप्टन है मेरे ये आपको दिखेंगे, और यहाँ से ये टीम हो गई। बस यहाँ पे क्या करा है मैंने, एक मैंने लुक विल्सन को ले रखा है, और यहाँ पे मैंने आई थिंक किस पे, यहाँ पर आप देख रहे हो शैमा मोहपर को भी आप ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता था। तब देखो बड़ी लीग्स के अंदर क्या करना, भी कहूँगा लाइफ के अंदर दोस्तों कुछ पाना आपको तो कुछ अलग करना पड़ेगा, रिस्क लेने से नहीं डरना है कभी भी। लंडन जेम्स सबसे इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर, आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रोमन फ्री इंपॉर्टेंट है, गिड्रॉन पप्पे दोस्तों एक ठीक ठाक विकल्प आपके लिए होने चाहिए। पिछले मैच में 2 डाउन बैटिंग करी थी, शायद इस मैच में ओपन कर लें, देखते हैं। ये दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी थे जो लास्ट मैच में यार 16 रन स्कोर करा था 17 बॉल के अंदर, बहुत स्लो पारी थी जिसमें 2 चौके शामिल थे, दोनों के दोनों इनसाइड एज लगे गए थे, पीछे की तरफ मारा था शॉट्स, ठीक है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। प्रियंका से मिल्स बॉस्कॉम्बे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत मेरे लिए तो। डैरन ग्रीव्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शैमा मोहपर दूसरे साल बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, पर ना ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कीटन लाविया भी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ये भी दोस्तों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कीटन लाविया पिछले साल बहुत अच्छी इसने गेंदबाजी कराई। चेल्सन स्टॉवी भी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो इनको शायद मैं पिक ना करूं। फिर आएंगे यहाँ से रियान विलियम्स, डेथ ओवर में बॉलिंग स्टार्टिंग ओवर। रे जॉर्डन इंपॉर्टेंट, डेथ ओवर मेन गेंदबाज है, ये दोस्तों बहुत रेपुटेशन लेके आता है स्टूडेंट के अंदर। लुक विल्सन का टप्पा अच्छा है, फिर आप यहाँ से बताओ शकुली ब्राउनी को मैं पक्का ट्राई करूंगा, अगर FCS पहले बॉलिंग कराती है तो मैं यहाँ पे लुक विल्सन को ड्रॉप कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। गैरन विले आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करके जाना है, और यहाँ पर क्या अपने को नेदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच कवर करना है या नहीं करना, बस आप कमेंट करके बताना आपकी इच्छा हो दोस्तों। वेदर वगैरह चेक कर लेने एक बार आप, ठीक है, मैंने तो कर रखा है, पर आप अपनी साइड से देख के बताना मुझे, ठीक है। तो वही कहूँगा घर पर रहे दोस्तों, सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवा लें।